चूंकि पीटीआई ने हमसे बायकॉट किया हुआ है, लिहाजा उनका कोई भी आज नुमाइंदा हमारे पास नहीं है। हम आप ही को पीटीआई समझ लें थोड़ी देर के लिए, नाराज बागी रुकन के तौर पर बासित बुखारी साहब। तो पहले तो ये कि खत एक लिखा गया है, आपसे शुरू कर रही हूँ। खत लिखा गया है तमाम अराकीन असेंबली को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि आप लोगों ने 63 लग जाएगी अगर आप लोग पार्लियामेंट के करीब भी फटके, तो क्या वो खत आपको मौसूल हुआ है? बस वो मीडिया में उन्होंने कह दिया ये काफी है, तो हमें पैगाम उनका मिल गया। जहां तक बात है 63A लगने के, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप 63A अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाते हैं, आप सिर्फ डी सीट हो सकते हैं। वैसे मैं तो इंडिपेंडेंट लड़के आया था, बहरहाल पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर इन्होंने मुझसे साइन कराया था, और मैं जज्बात में आके भाई खान है पाकिस्तान की बेहतरी कर लेगा, तो मैंने साइन भी कर दिए थे। वरना मेरा इरादा था कि मैं आजाद ही अपनी हैसियत बरकरार रखूं, जो कि वक्त और हालात के तकाजे ने बताया कि मेरा फैसला ये गलत था। तो ज्यादा क्या हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा। मैं बाय इलेक्शन खुद लड़ूंगा इंशाल्लाह, मैं हर उस हद तक जाऊंगा इंशाल्लाह। सोमवार की रात को इंशाल्लाह ये साबिक वजीर आजम पाकिस्तान होंगे, सोमवार की रात को पक्की बात। क्योंकि मुझे शेख रशीद साहब का जो लोग 3 को उन्होंने बुलाया है ना, मुझे ये ट्रिक लगता है। स्पीकर की मर्जी होती है कि अब जिस दिन वो तहरीक अदम एतमाद जमा होगी बाज़ाब्ता मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, ठीक है, स्पीकर का काम है बिटवीन 3 to 7 days। लेट्स अगर हम जुमेरात को भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना जी, अगर हम जुमेरात को भी जा रहे हैं तो अगर 5 मिनट कोई खड़ा होकर तकरीर कर दे, 5 मिनट बाद स्पीकर कहते नहीं जी पुट करें तहरीक आदमी बंदे दिखाएं शो करें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, जो ये शेख रशीद का बयान है ना कि 3 तारीख, ये 3 तारीख बनता है, ये बलफ है। तो ये आपको कौन सी तारीख लगती है, 3 नहीं है तो 4 लगती है, 4 सोमवार है, लेकिन वो तो 7 दिन के टाइम गुजर जाएगा, इसीलिए इतवार 7वां दिन है। देखिए ये हफ्ता भी हो सकता था, हाँ, ये जुम्मा भी हो सकता था, हाँ, इसमें मुझे कुछ खेल नजर आ रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई दिनों का चक्कर भाई, भाई हम जब भी करें जब भी दिनों का चक्कर है, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने कहा, मुझे खेल लग रहा है, साजिश लग रही है। देखिए जब से ये हुकूमत आई है आई तो सितारों के चक्रों में। अच्छा चले, इसमें मैं नहीं बात करूंगी, नहीं इसमें नहीं करनी, अच्छा, इसमें नहीं करनी, नहीं नहीं प्लीज, अच्छा, पहले मैं अताप का शिकार हूँ जो मैंने नहीं, अच्छा, मैं इस पे नहीं, सुने, अच्छा मैं और बात करें, हाँ और बात, और बात करें बिल्कुल। ये हुकूमत तो आई है, आप समझेंगे खान साहब सियासी आदमी है, ठीक है ठीक है। देखें सियासत में ना, क्योंकि मैं तो इनकी पार्टी में नहीं था, मैं तो इनका मिजाज नहीं समझता था, ठीक, मैं तो आया जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैं तो इमरान खान को देखते थे, क्रिकेटर इमरान खान सुपरस्टार, बिल्कुल ठीक, हीरो, कौमी हीरो, कौमी हीरो। देखिए ये होती है आपकी मतलब के वो सोच, अच्छा, मिलते नहीं। मैं आपको